हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एआई टूल चैट जीपीटी के बारे में तो हमने सुना ही है कि कैसे वो ऑफिसेज में हेल्प कर रहा है, कंटेंट राइटिंग में हेल्प कर रहा है, कॉलेज में यूज हो रहा है, बट कैसे वो हम पेरेंट्स के लिए यूजफुल हो सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान में रखना है कि चैट जीपीटी सिर्फ हम पेरेंट्स के यूज करने के लिए है, बच्चों को इसका एक्सेस नहीं देना है। क्यों नहीं देना है वो आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चैट जीपीटी बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है जिससे जो कि कंटेंट राइटिंग में हेल्प करता है। अब कंटेंट राइटिंग हम पेरेंट्स को कहाँ यूज होता है? स्कूल में या सोसाइटी में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, फैंसी ड्रेस के लिए आइडियाज चैट जीपीटी देगा। फैंसी ड्रेस आइडियाज फॉर 5-year-old बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आइडियाज मिल जाएगा, सुपर हीरो, पायरेट, एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर और साइंटिस्ट, शेफ, एनिमल, फायर फाइटर, स्पेस एक्सप्लोरर, और ये क्या है, कैसे ड्रेस करना है, इस पे भी डिटेल दिया हुआ है। ड्रेसिंग, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो ड्रेसिंग इन अ रिफ्लेक्टिव वेस्ट, हार्ड हैट, ये आपको आइडियाज मिल गया। अब मान लीजिए आपने इसमें से डिसाइड किया कि बच्चे को बनाना है डॉक्टर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखा राइट अ स्क्रिप्ट फॉर 5-year-old प्लेइंग अ डॉक्टर रोल। तो यहाँ पर आपको मिल गया, हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सैम, टुडे आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ माय पेशेंट। तो यहाँ पर आप अपने बच्चे का नाम डाल सकते हैं, हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर, जो भी बच्चे का नाम है, टुडे आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ माय पेशेंट। उसके बाद थोड़ा इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कैसे एक्टिंग करना है। सैम पिक्स अप हिज टॉय स्टेथोस्कोप, मतलब बच्चे ने स्टेथोस्कोप उठाया, प्रिटेंड्स टू लिसन, मतलब टेडीज के हार्ट बीट वो सुनने की कोशिश कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है। 5 साल का बच्चा इतना कुछ तो नहीं बोल पाएगा, तो आप इसमें से कुछ 4-5 लाइंस उठाइए और थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट बनाकर आप बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है, जब स्कूल में काफी बार बोला जाता है कि किसी नेशनल लीडर पे आपको बच्चे को 4 लाइन सिखाना है, फेस्टिवल पे अगर 5 लाइन सिखाना है, तो ये भी आपको चैट जीपीटी करके देगा। अब आपको पता नहीं कौन से नेशनल लीडर पे हमारा बच्चा बोलेगा, कौन कौन से नेशनल लीडर्स है, तो आपको जस्ट नेशनल लीडर्स इंडिया टाइप करना है। आपको यहाँ पे सारी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपने इसमें से एक लाइन सेलेक्ट कर लिया, महात्मा गांधी जी के बारे में बोलेगा बच्चा। अब उसके बाद आपको बोलना है 5 लाइन्स ऑन महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। चैट जीपीटी में जो हमें दिया है थोड़ा डिफिकल्ट है ये वर्ड्स, 5 ईयर का बच्चा नहीं बोल पाएगा। अब यहाँ पे जो पेंसिल मार्क दिया हुआ है, आप यहाँ पे दोबारा जाइए और इसको चेंज करिए, 5 लाइन्स ऑन महात्मा गांधी फॉर 5-year-old बॉय, इजी इंग्लिश। देखिए इजी से आ गया, महात्मा गांधी वॉज अ स्पेशल पर्सन हु हेल्प्ड इंडिया बिकम फ्री, ही टॉट पीपल टू बी काइंड, अब आप एंड पीसफुल टू ईच अदर। तो यहाँ पर आप जब 5 साल का बच्चा है तो आप स्प्लिट कर दीजिए, ही टॉट पीपल टू बी गुड। उसके बाद है ऐसे राइटिंग। तो स्कूल में अगर ऐसे लिखने के लिए आया है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप दोनों ही चैट जीपीटी से निकाल के बच्चे को सिखा सकते हैं। आता है अगर 10 लाइन्स ऐसे ऑन होली, अब आपको यहाँ पे पूरा पैराग्राफ दे दिया गया है, आपको ये अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसको फिर से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि 10 लाइन्स ऐसे ऑन होली, पॉइंट वाइज, इजी इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसने पॉइंट वाइज दे दिया, सो होली इज अ कलरफुल एंड जॉयफुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया, इट मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। तो इस तरह से आपको 10 लाइन्स मिला है, थोड़े इजी लाइन्स है, 6 ईयर्स का बच्चा इसमें से 5-6 लाइन्स तो इजिली लर्न कर सकता है। यहाँ तक जो आया है वो है क्रिएटिव राइटिंग की चीजें। अब हम पेरेंट्स अगर पहले से क्रिएटिव नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव राइटिंग की आदत नहीं है, बच्चों को हम चैट जीपीटी से टेक्स्ट लेके बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर आपने इसका एक्सेस बच्चों को दे दिया तो बच्चों की क्रिएटिव मर जाएगी, उनको जो भी लाइन सीखनी होगी बच्चे चैट जीपीटी खोलेंगे, लाइन सीख लेंगे, लेकिन वो खुद से क्रिएटिव कुछ नहीं बनाएंगे, उनके लिए इसका एक्सेस देना सही नहीं है। उसके बाद आप इंग्लिश के लाइंस बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सी लाइंस हम बच्चों को बोले, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, ग्रीटिंग्स, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ में क्या बोल सकते हैं, आस्किंग अबाउट अदर्स, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ ओल्ड आर यू, टॉकिंग अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो ये सारे लाइंस आपको ये दे देता है। नेक्स्ट, अगर बच्चा रोल प्ले खेल रहा है, इंग्लिश कन्वर्सेशन लाइन्स फॉर किड्स प्लेइंग विथ किचन सेट,
किचन सेट, और यहाँ पे फॉर टू किड्स, किड वन, किड टू, किड वन, किड टू, इस तरह से आपको डायलॉग्स मिल गए। उसके बाद अगर आपको स्टडी प्लान बनाना है बच्चे का, स्टडी प्लान फॉर सिक्स ईयर ओल्ड विद सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स है आप डाल दीजिए, मैथ्स, साइंस, हिंदी, तो ये आपको ये बना कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ कि नीड प्लान फॉर अ फाइव ईयर ओल्ड इंडियन चाइल्ड, ये आप हिंदी में भी टाइप करके बोल सकते हैं, पर आपका पूरा एक बैलेंस्ड मील आया, ब्रेकफास्ट में ये ऑप्शंस आया, फिर मिड मॉर्निंग स्नैक, फिर लंच आया, डिनर, बेड टाइम स्नैक। तो अब यहाँ पर आपको कुछ भी अगर ऑल्ट्रेशन करना है तो आप इसके हिसाब से ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया ये दे देता है। तो ये कुछ चीजें हम चैट जीपीटी का यूज करके कर सकते हैं। डेली लाइफ के चैलेंजेस होते हैं जबकि बच्चों को ये सिखा के भेजना है, इस पे लाइन्स बोलना है, तो ये प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएंगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।